दोस्तों, मैं हूं यशवी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज का आपका पार्ट नंबर 11 है और पार्ट नंबर 11 के अंतर्गत, क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में हमने न्यूमेरिकल्स को देखा था, उसी के आगे एक दो न्यूमेरिकल्स और हम सीखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दो न्यूमेरिकल्स आप सीख चुके थे, आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं दर्पण से संबंधित। टॉपिक लिखा हुआ गोलीय दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो आंकिक प्रश्न में हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 3 गुना। अब देखो, 3 गुना कह रहा है, ध्यान से समझो। अगर ये 3 गुना कह रहा है ना, तो आवर्धन आपका क्या कह रहा है, पहले सवाल समझो। लिखा है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, दर्पण आपका कौन सा है, वह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी आपकी किस में ली जाएगी, माइनस में ली जाएगी। तो लिखेंगे माइनस 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। और क्या कह रहा है कि 3 गुना बड़ा बने प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा, मतलब कि आवर्धन एम बराबर क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। और कह रहा है जबकि प्रतिबिंब, अब ध्यान देना कंडीशन दी हुई है, पहला कंडीशन दे रखा है कि प्रतिबिंब वास्तविक हो, क्या हो, वास्तविक, वास्तविक हो। और दूसरी कंडीशन है कि आभासी हो, आभासी हो। अब आपको ये क्लियर है, सवाल समझ लिया ना, अब आपको यह क्लियर है कि जब वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने बनेगा अवतल दर्पण में, और आभासी होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये आपको लिखा हुआ है। अब यहां पर देखो, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ना तो आपके पास U है और ना ही V है, आवर्धन दिया हुआ है और फोकस दूरी आपकी माइनस 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी ज्ञात करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको फार्मूला पता है एम इक्वल माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू, ये आपका फार्मूला होता है। और कभी भी यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, पहली कंडीशन लेके चलते हैं हम, पहली कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो हम आवर्धन को हमेशा माइनस में लेते हैं। वास्तविक में क्या करेंगे, वास्तविक में आवर्धन जो है आपका, आवर्धन को माइनस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, ये बात आपको नोट करनी। तो यहां पर हम m की जगह पर -3 रखेंगे, क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। और फार्मूला आपका है माइनस वी अपॉन यू। अब यहां पर हम एक मान की इस तरह से इसका तिरछा गुणा कर देंगे और ये मान आपका हो जाएगा v इक्वल माइनस का 3u। अब आपको ये पता हो गया, देखो इधर f पता हो गया, आपका v पता हो गया, u आपको ज्ञात करना है। फार्मूला आपका क्या होता है, फार्मूला होता है 1 अपॉन f इक्वल 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। 1 अपॉन f कितना दे रखा है, माइनस का 15, बराबर लगाएंगे। v का मान कितना दे रखा है, माइनस 3u, क्या दे रखा है, माइनस 3u प्लस u का मान आपको ज्ञात करना है, क्लियर है। अब इसका जब हम LCM लेंगे तो ये आपका आएगा किसमें आएगा, ध्यान दो एक मिनट, यहां पर आपको देखो मान पता हो गया माइनस 15 सेंटीमीटर, ये आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, देखो इधर ध्यान से समझो, ये आपका f का माइनस 15 सेंटीमीटर दे रखा है, m का -3 दे रखा है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये माइनस यहां पर भी था और ये आपका माइनस का 3 आया है, माइनस का v आया है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो u का मान आपका v का मान क्या आएगा, माइनस वो प्लस का 3। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, प्लस का 3v लिखेंगे, ठीक है ना, ये आपको पता हो गया। एलसीएम लेंगे तो 3u आएगा, इससे काटेंगे तो 1 ही बचेगा, प्लस u से u भाग जाएगा तो 3 बचेगा, आपका आ गया 3 और 1 हो गया 4, 4/3u। और ये क्या आया है, 1 अपॉन -15 इक्वल, अब आपको ये पता है 1 अपॉन -15 इक्वल 4/3u।
आप यहाँ पर तिरछे गुणा करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 3u इक्वल 15 चौके 60 माइनस का 60, और u बराबर लिखेंगे माइनस 60 इक्वल 3, 3 से 3 कट गया, 3 2 6 मतलब u का मान आपका आ गया माइनस 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये आपका वस्तु की दूरी निकल के आई है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने की, प्रतिबिंब की दूरी कहाँ बनेगी, तो अब क्या करेंगे क्योंकि v का मान आपका कितना निकल गया है, देखो यहाँ पर 3u आया है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका लिखेंगे, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे v इक्वल 3u, और v इक्वल अब 3 का मान तो यही है गुणे u का मान कितना आया माइनस का, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 20 और गुणा होगा तो हो जाएगा v बराबर माइनस 20 यानी 60। ये आपका v का मान निकल के आ गया, v मतलब वस्तु की दूरी आपका माइनस मतलब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी माइनस 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी, और कहाँ बनेगी दर्पण के सामने, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनना है तो दर्पण के सामने बनेगी। आई होप आपको ये कंडीशन जो पहले वाली है कि जब प्रतिबिंब जो है वास्तविक हो तब कौन सा फार्मूला लगेगा और किस तरह से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आभासी वाले का न्यूमेरिकल्स लगा के आपको सिखाते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपका वही है, सिर्फ पहले वाले में क्या कह रहा था कि जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो आप न्यूमेरिकल लगा चुके हो, अब कह रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है आभासी है सॉरी आभासी है, तो यहाँ पर सिर्फ एक बात ध्यान रखनी, वो ये बात ये है कि जब कभी भी आवर्धन आपका आभासी हो, वो प्रतिबिंब आभासी हो, तो आवर्धन हमेशा प्लस में लेते हैं, मतलब कि m आपका प्लस 3 होगा। अब देखो इधर यहाँ पर इसका भी मान ज्ञात नहीं है आपको, तो वही करना पड़ेगा जैसे आपने किया था, m बराबर माइनस बी अपान यू, मान रखेंगे तो m का 3 ही रखेंगे, और यहाँ पर माइनस बी अपान यू इस तरह से, और इसका जब हो जाएगा तो बी हो जाएगा आपका माइनस का 3u आ जाएगा, मतलब कि v का मान कितना आ गया माइनस का 3u। बस कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई फार्मूला रख दीजिए फटाफट से, इस तरह से फार्मूला क्या है, 1 अपान f इक्वल 1 अपान v प्लस 1 अपान u, फार्मूला वही है, 1 अपान f का मान हमेशा माइनस 15 सेंटीमीटर इक्वल 1 अपान v का मान कितना आया है, यहाँ पर माइनस होगा माइनस v का मान कितना आया 3u प्लस u का मान आपको ज्ञात करना है, एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 3u, अब यहाँ माइनस लगा है इसलिए माइनस 1 आ जाएगा इसका, प्लस u से u का भाग जाएगा आपका घट जाएगा तो ये बचेगा, क्योंकि संख्या प्लस की बड़ी है इसलिए हो जाएगा आपका प्लस का 2, लिखते नहीं है 2 ही आएगा, और आपका 3u हो जाएगा। अब ये आपका क्या है 1 अपान माइनस 15 इक्वल 2 अपान 3u, त्रिज्या गुणा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 3u इक्वल, और ये हो जाएगा आपका 15 गुणी 30 माइनस का 30 बराबर लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा u बराबर माइनस 30 अपान 3, 3 से 3 कटेगा तो ये आपका आ जाएगा u बराबर 10 माइनस 10 सेंटीमीटर। ये आपकी वस्तु की दूरी निकल के आई है, u बराबर क्या आ गया वस्तु की दूरी, अब आपको क्या कर देना है सीधा यहाँ पर फिलअप कर देना है v इक्वल माइनस 3u, तो v अब देखो माइनस 3 गुणे ब्रैकेट में u का मान कितना आ गया माइनस 10, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा तो v बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर प्लस का, मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा आपका 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, और क्या बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि पीछे बनेगा तभी तो प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 जगह पर बनते हैं, और जो लास्ट वाला होता है इसका मतलब जो वस्तु है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी है, वस्तु की दूरी 10, इसका मतलब है कि पोल और फोकस के बीच में वस्तु रखी जाएगी, ये यहां पर इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से ये मान लीजिए आपका है, ठीक है ना, और यहां पर फोकस दूरी आपका क्या है एक मिनट, तो यहां पर मान लीजिए ये आपका पोल है, ये फोकस है, फोकस 15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, मतलब कि पोल और फोकस के बीच में वस्तु रखी जाएगी, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा दर्पण के पीछे, यहां कहीं पर बनेगा,
समझ में आ रहा है, मतलब कि अवतल दर्पण में छह जगह पर वस्तु रखी जाती है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तभी बनता है जब वह फोकस और पोल के बीच में वस्तु रखी जाती है, तभी तो उसका दर्पण से दूरी 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा, और आभासी बनेगा तो कैसा होगा? सीधा होगा। क्लियर है आपको? तो अब एक बार फिर से देखो, फोकस दूरी माइनस 15 सेंटीमीटर, एम का मान 3 सेंटीमीटर, आवर्धन है। जब आभासी की बात करें तो आवर्धन को हम धनात्मक लेते हैं, और जब वास्तविक की बात करेगा तो यही आवर्धन को माइनस में ले लेंगे। और इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है, आपको न्यूमेरिकल से दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसको ध्यान से एक बार पढ़िए और उसके बाद आप इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। 100% क्लियर है कि आपको ये पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, इसलिए आपको जब भी गुना की बात करें, दो गुना, तीन गुना, चार गुना, तो समझ लो वही गुना जो है ना, वही आपका क्या है? आवर्धन है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये, अब देखो कह रहा है फोकस दूरी मतलब कि एफ का मान, वस्तु की दूरी यू का मान, प्रतिबिंब की दूरी वी का मान, तीन ही मान है। आप आसानी से, बहुत कोई टफ न्यूमेरिकल्स नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आएगा, तो आप एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। देखो माइनस 15 सेंटीमीटर, आवर्धन 3 सेंटीमीटर आपका आ गया, यू आपको पता नहीं है, वी पता नहीं है, तो जब वी और यू ना पता हो तो फार्मूला रखेंगे एम बराबर माइनस वी अपान यू, समझ रहे हो ना? और इसी पे आपका मान निकल के आ जाएगा। देखो आवर्धन हमने प्लस में 3 रखा, काट दिया, त्रिज्या गुणा हो गया आपका, तो वी बराबर माइनस का 3 यू आ गया, क्योंकि यहां पर माइनस लगा हुआ है। क्लियर है? अब यही मान उठा करके, क्योंकि अब वी पता हो गया, एफ पता हो गया, तो आप यू निकाल सकते हो, इसलिए यहां पर हमने फार्मूला रख दिया और एफ का मान माइनस 15 रख दिया, वी का मान हमने जो आया है माइनस 3 यू रख दिया, माइनस का 3 यू, क्योंकि कभी भी हर में माइनस नहीं होता है, तो इसलिए हम माइनस को यहां पर रखते हैं। अब इसका जब एलसीएम लेंगे, इसका मान क्या ठीक करना है, एलसीएम ले, 3 यू से 3 यू का भाग गया तो 1 बचा, माइनस लगा तो माइनस का 1, अब यू से यू भाग चला गया तो 3 बचा तो 3 आ गया। अब देखो घट जाएगा, जब समान चिन्ह होते हैं ना तब जुड़ता है, तो ये आपका प्लस का 2 बच गया बटे 3 यू। अब इसी का इधर हम त्रिज्या गुणा कर दिए, क्योंकि बराबर में आपका माइनस 1/15 है, त्रिज्या गुणा किया तो 3 यू बराबर आपका 15 × 30, माइनस का 30 आ गया, यू बराबर ये 30 तो ऐसे ही रहेगा, ये 3 भाग में चला जाएगा, कट गया, तो आपका माइनस 10 सेंटीमीटर ये वस्तु की दूरी है। क्या है आपकी? वस्तु की दूरी है आपकी u, u कभी भी आप u निकले तो वस्तु की दूरी, किसकी दूरी? वस्तु की दूरी, बस कुछ नहीं था, आपको पता हो गया प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, तो इसी में भी बराबर माइनस 3 u में हम u का मान फिलअप कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, और लिखोगे कि दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।